व्हाट्स अप यूट्यूब, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। और आज का जो वीडियो है वो है इस प्रोडक्ट के बारे में। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ये आपके एक्शन कैमरा के लिए है। आप जानते हो रिसेंटली मैंने गोप्रो ख़रीदा हुआ है, तो मुझे बाइक पे एक्शन कैमरा माउंट करना था ताकि मैं यू नो अपना भी वीडियो देख सकूँ व्लॉग करने के टाइम पे, या सेकेंडरी कैमरा में लगा सकूँ। तो उस हिसाब में मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा था और मुझे एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिला है, तो मैं उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। ये अनबॉक्सिंग वीडियो है, लेकिन मैं ये प्रोडक्ट ऑलरेडी 300-350 किलोमीटर के आसपास यूज़ कर चुका हूँ राइड पे। इसके ऊपर एक्शन कैमरा लगाया है और देख चुका हूँ स्टर्डीनेस और सब कुछ। और जो मैं एक्चुअल रिव्यू जो इसके बाद आएगा थोड़ी देर में, वो लिटरली राइड के टाइम का है जब मैं अपने दोस्तों के साथ गया था। तो इसको मैं अनबॉक्सिंग भी करना चाहता हूँ और मैं आपको बता भी दूँ कि कैसा है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आप देख सकते हो, ये मोटो वुल्फ करके एक है और ये एल्यूमिनियम एलॉय का बनाया हुआ है। ये MS का या पाइप का या ऐसा क्वालिटी का नहीं है। तो जैसे ही मैंने इसको देखा, जो क्वालिटी है भाई बहुत बढ़िया है। लेट मी जस्ट ओपन इट अप, मैं आपको बता देता हूँ। और मैंने वापस से निकाल के पैक कर दिया ताकि मैं उसको आपको दिखा सकूँ कि प्रोडक्ट में क्या क्या आता है। तो ये बक्सा खाली हो गया, साइड पर रखते हैं इसको। और ये रहा वो प्रोडक्ट। तो बेसिकली देख रहे हो आप, क्वालिटी देखो भाई। एक सेकेंड खोल देता हूँ मैं। अब देख रहे हो, मतलब नॉर्मली जो मैं प्रोडक्ट्स में देखता हूँ ना, उनकी क्वालिटी मतलब ऐसे नहीं होती। ये मैंने डैमेज किया हुआ है, तो दोनों साइड से मैं कुछ काम कर रहा था, बट इनकी जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है। एकदम लाइट वेट है, मतलब वजन ऐसा एकदम है नहीं, और लाइट वेट और स्ट्रांग है। तो अगर आप इसकी पाउडर कोटिंग देखो या यू नो मटेरियल देखो, हर एंगल से एकदम ही ब्यूटीफुल है। और यू नो आई जस्ट लव इट। और ये 360 रोटेटेबल है, और यहाँ पे आप शायद अपना, अगर किसी को DSLR भी लगाना है तो शायद वो भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो लेट मी शो यू। तो ये रहा ये प्रोडक्ट, और इसमें दो वेरिएंट आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने जो वेरिएंट लिया है वो हैंडल बार माउंट के साथ लिया हुआ है। तो मैंने फ़िलहाल ये वाला, इसमें दो माउंट आते हैं। एक माउंट जो बड़ा है, ये शायद आपके हैंडल, बड़ा हैंडल या कोई यू नो 22 mm या उससे भी ज़्यादा बड़ा हैंडल होगा तो उस पर लगा सकते हो, या तो नॉर्मल हैंडल पे भी लगा सकते हो। और ये वाला जो है, ये समझो कि मेरे सैडल स्टे हो गए या कोई पाइप हो गया जिसके ऊपर मैं पीछे के वीडियो का रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, मेरे पीछे के राइडर्स का वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ मैं, तो उसके लिए ये काम आ सकता है। और इसके साथ ये कवर एक बार लगा दो तो ये ब्यूटीफुल रबर के कुशंस हैं ताकि ये एकदम ओपन ना दिखे। और हर एक चीज़ में मतलब ध्यान रखा हुआ है। ये नीचे रख देता हूँ। और अगर आप ये स्क्रू देखोगे तो ये थ्रेड लॉक है, मतलब इसके बाद अगर मैं कोशिश करने जाऊँ ना तो अगर इसको निकालना, भाई फिटिंग ईजी है लेकिन ये यहाँ से यहाँ आने तक टाइम लगता है, तो इट्स नॉट ईजी कि कोई मतलब ऐसा खोल के निकाल के जाए लेके जाएगा। तो सेफ, और वाइब्रेशंस में भी ये निकलेगा नहीं, बहुत काफ़ी स्ट्रांग है। एंड ये इसके साथ आता है, ये यहाँ लगता है और ये यहाँ लगता है। और अब इसमें ये वाला जो पीस है मैं आपको ये बता देता हूँ। तो ये और एक चीज़, ये आपको इतना हैवी गेज का प्लायर भी मिलता है ताकि आप ये बोल्ट खोल के ये लगा सकें। और चलते हैं ये मैनुअल्स पे। तो मैं आपको जो बता रहा था ना, इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। ओके, इंग्लिश वाला किधर है? हाँ, ये पता नहीं कैमरा में दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन ये रहा तुम्हारा हैंडल बार माउंट वाला। और ये रहा नीचे जो है, ओके लेट मी जूम इन, ये रहा तुम्हारा हैंडल बार माउंट वाला और ये वाला तुम्हारा मिरर माउंट वाला। इस पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो है, ये तुम एक्शन कैमरा भी लगा सकते हो। और अगर तुम्हारा एक्शन कैमरा का केसिंग नहीं है और तुम्हारे एक्शन कैमरा में नीचे थ्रेड है तो ये निकाल कर आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो। सॉरी निकल गया पूरा। हाँ, इसको टाइट कर लेते हैं, क्योंकि एक बार ये टाइट कर लोगे भाई उसके बाद खुलता नहीं है। तो इट्स स्ट्रांग लाइक बिकॉज ऑफ ये टेक्सचर, देख रहे हो ये टेक्सचर के वजह से इट्स नॉट ईजी फॉर मी टू रोटेट इट।
और ये रबर का एक बुश भी है। तो अगर तुम्हारा एक्शन कैमरा डायरेक्टली या डीएसएलआर या छोटा कैमरा अगर कुछ भी लगाना हो तो आप ये लगा सकते हो, अगर नहीं है तो मेजरली मैंने जो लिया हुआ है एक्शन कैम के लिए मेरे गोप्रो के लिए, तो उसका भी फुटेज मैं दिखाऊंगा। एंड ये रहा, सो दिस इज अ प्रोडक्ट मैनुअल एक प्लायर। सो थैंक्स वंस अगेन। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ गाइस कि अगर आप मैं अपना चार्ट देखूँ ना, तो भाई लिटरली 98% के आसपास लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं। अगर मैं अपना चार्ट देखूँ तो 98% लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, लेकिन खाली 2% मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो प्लीज़ हेल्प करो, प्लीज़ लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि 98% लोग मेरे वीडियो सारे देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा मत करो यार, प्लीज़ हेल्प आउट, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। ये आगे का पार्ट जिसमें मैं आपको बाइक का वीडियो बताऊंगा, बाइक पे लगा हुआ है और वहां का मेरा रिव्यू उस टाइम का मैं बताता हूँ। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। तो भाई लोग, सिंस यू आर वेटिंग, एक चीज़ मैं बताना चाहता था। मैं रिसेंटली मैंने ये लिया है, ये रहा मोटो वुल्फ का कैमरा, एक्शन कैमरा होल्डर। एंड ट्रस्ट मी, इसका क्वालिटी इज़ रिडिकुलसली ब्यूटिफुल। मतलब इसकी क्वालिटी देखोगे ना तो तुमको बाकी, लुक एट दिस। ओके, मैंने अभी तक पूरा टाइट नहीं किया है, बट पूरा पाउडर कोटेड आता है। और इसमें यहाँ जो ब्यूटीफुल इसके जो ग्रूव्स हैं, इट होल्ड्स अप द कैमरा वेरी स्टडी। मैंने अभी इस पर पहली बार एक्शन शॉट्स लिए हुए हैं। ओके, एंड ये है मोटो वुल्फ का और सिंपल है, एकदम सिंपल अपना, ये नॉब रहा। ओके, एंड यू कैन मूव अराउंड, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, अलग अलग है। और अलग अलग एंगल पे मूव कर सकते हो। इसके दो यू क्लैंप्स आते हैं, उनकी भी क्वालिटी अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया है। इसमें छोटा वाला भी आता है जो तुम, जैसे मेरा सैडल स्टे है पीछे, ये वाला। ओके, सैडल स्टे के उधर भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो। इसका मिरर माउंट का भी आता है इंस्टेड ऑफ दिस यू क्लैंप। और ये देख रहे हो रबर का पूरा पैकिंग, ब्यूटिफुल क्वालिटी। एंड प्राइस और डिस्क्रिप्शन मैं नीचे डाल दूंगा, अगर किसी को ख़रीदना है तो यू कैन डेफिनेटली बाय। दिस इज वे वर्थ, द क्वालिटी ऑफ दिस इज ब्यूटिफुल, ट्रस्ट मी ऑन दिस। एंड द कैच एक्शन कैमरा डजेंट मूव एट ऑल। ओके, एंड लाइक आई सेड, टू डिफरेंट माउंट्स, आई हैव चोजन द वन विद दिस। ओके, बट इफ यू हैव द मिरर माउंट यू कैन ऑल्सो यूज दिस वन ऑन टॉप ऑफ दैट। तो अलग से खरीदने की जरूरत नहीं, इफ यू हैव द मिरर माउंट यू डोंट नीड टू बाई द मिरर माउंट, यू डोंट नीड टू बाई द मिरर माउंट, यू नीड टू बाई दिस सो दैट यू कैन यूज़ बोथ द थिंग्स। ओके, एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट, एक बार अगर जाना है तो ये देख लो। थैंक यू वेरी मच गाइज, छोटा सा वीडियो बनाना था, हम लोग राइड पर आए हुए हैं तो मज़े कर रहे हैं हम लोग, और सोचा इसका भी बना ही देते हैं। तो हियर यू गो, एन्जॉय। और इसका मैं छोटा सा एक क्लिप डाल दूंगा, हाउ इट लुक्स लाइक आफ्टर आई माउंट द कैमरा हियर। ओके, चलो गड गो, एवरीबडी इज मूविंग, बाय बाय। Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.